आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खीर बनाने का एकदम आसान और सिंपल तरीका। रबड़ी जैसी साई खीर बनाएंगे, आपको ये खीर बहुत पसंद आएगी। इस खीर को आप व्रत में भी खा सकते हो, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ये बनती भी बहुत जल्दी है। बच्चों को और बड़ों को सभी को पसंद आती है ये खीर। चलो तो शुरू करते हैं खीर को बनाना। 50 ग्राम साबूदाना है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एक बड़े बर्तन में साबूदाने को अच्छे से धोना, स्टार्च का पानी इसका सब निकल जाए। अच्छे से धुलाई नहीं करेंगे हम साबूदाने को तो खीर हमारी फट सकती है। अब साबूदाने में हम इतना पानी डालेंगे जितने में साबूदाना भीग जाए। बस 2 घंटा रेस्ट के लिए रख दूँगी तो साबूदाना फूल जाएगा। हमारा साबूदाना फूल गया, देखो एकदम टूट रहा है ये तोड़ने से। इसी तरह का साबूदाना चाहिए हमें। एक्स्ट्रा पानी सब सूख लिया साबूदाने में। साबूदाने में ज़्यादा पानी हो जाए तो उसे छन्नी से छान कर निकाल दूँ। खीर बनाने के लिए ड्राई फ्रूट है, बादाम है, काजू हैं, किशमिश हैं, 2 छुहारे हैं और नारियल का बरूदा है। 50 ग्राम साबूदाने की खीर बनाने के लिए 400 ग्राम ये दूध है। ये घर का दूध है, आप पैकेट का भी ले सकते हो। अब कढ़ाई में मैं 1 चम्मच देसी घी डालूँगी। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। काजू और बादाम को मैं साबुती फ्राई करूँगी। काजू और बादाम को मैं फ्राई करके ही काटती हूँ। देखो ये फ्राई हो गए हैं, ब्राउन कलर हो गया है इनका। अब मैं किशमिश और छुहारे फ्राई करूँगी। किशमिश और छुहारे को मैं 2 मिनट पानी में रखती हूँ, फिर उनकी धुलाई करके जब डालती हूँ ड्राई फ्रूटों की गंदगी निकल जाती है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखूँगी। अब मैं इसमें किशमिश और छुहारे फ्राई करूँगी। किशमिश हमारी फूल रही है तो मैं इसमें नारियल भी डाल दूँगी, नारियल का बरूदा। अब साबूदाने को भी फ्राई कर लेंगे हम घी में। 3-4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे साबूदाना। साबूदाना फ्राई हो गया, देखो कलर भी चेंज हो गया है साबूदाने का। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध डालने के बाद इसको चलाते रहना जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा। उबाल आने तक हम चलाएंगे, नहीं तो हमारा दूध फट सकता है। खीर में कच्चा दूध नहीं डालना है, कच्चा दूध डालने से खीर फट जाती है। खीर में उबाल आ गया है, इसी तरह की खीर चाहिए हमें। खीर हमारी बनके तैयार है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची पाउडर, बादाम और काजू जो काट लिए थे मैंने। ये खीर ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। 2 चम्मच चीनी डालूंगी मैं इसमें। हम चीनी बहुत कम डालते हैं शुगर की वजह से। आप अपने हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हो। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं आप डाल सकते हो और जो नहीं है आप इसमें से स्किप कर सकते हो। खीर बनके तैयार है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।